नमस्कार, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की स्टोरी तो आप सभी जानते हैं। जब जब होली आती है तो भक्त प्रहलाद की स्टोरी आती है। लेकिन आपको पता है, भक्त प्रहलाद से अपन लाइफ मैनेजमेंट की ये बातें सीख सकते हैं। भक्त प्रहलाद से सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्य को कैसे पाया जाए। और कैसे सीख सकते हैं, मैं आज अभी आपको बताऊंगा। भक्त प्रहलाद के बारे में तो आप जानते होंगे, उनके पिता हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं भगवान मानते थे, उनको भगवान ब्रह्मा से वरदान था। हिरण्यकश्यप ने खूब तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दो। तो भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा कि इस दुनिया में अमर कोई नहीं हो सकता है और मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कैसा वरदान मांगा बताया आपको कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा, मुझे यह वरदान दीजिए कि ना मुझे इंसान मार सके ना जानवर, ना मुझे देवता मार सके ना असुर, ना मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्यकश्यप यह वरदान पाकर अपने आप को अमर समझने लगा और धरती पर कहने लगा कि मैं भगवान हूं, विष्णु कोई भगवान नहीं है, विष्णु की कोई पूजा न करे। और उसी के घर पे भक्त प्रहलाद जन्म लेते हैं। उनकी माता भगवान विष्णु की भक्त होती है तो भक्त प्रहलाद भी भगवान विष्णु के भक्त हो जाते हैं। अब देखिए, भक्त प्रहलाद से अपना अपन लाइफ मैनेजमेंट की कौन सी बातें सीख सकते हैं, ये देखिए भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं। लक्ष्य अटल होना चाहिए, चाहे रास्ते में आपके कितनी कठिनाई आए, कितनी मुश्किल आए, लेकिन लक्ष्य अटल होना चाहिए आपका। भक्त प्रहलाद को कितनी मुश्किलें मिली, कितनी कठिनाइयां और कितनी अत्याचार उनको सहने पड़े भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। जब वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनको पर्वत से गिराया, अंगारों पर चलाया, जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया और उनको तलवार से उनके ऊपर हमला किया, उनको जहर दिया। फिर भी भक्त प्रहलाद अपने लक्ष्य से नहीं हटे कि मुझे भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो करनी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अपना लक्ष्य अटल रखें। आप भी अपनी लाइफ में, फील्ड में कोई सा भी लक्ष्य, और कितनी हजार मुश्किल आए, कितनी बाधाएं आए, कितनी असफलता मिले, लेकिन अपने लक्ष्य से हटना मत। भक्त प्रहलाद अपने लक्ष्य हटे नहीं हटे, उनको जहर दिया, उनको पर्वत से गिराया, उनको भी असफलता मिली, उनको भी भगवान का साथ नहीं मिला शुरुआत में, लेकिन क्या वो अपने लक्ष्य हट पाए? नहीं हट पाए। सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें हंस के पार कर ली भक्त प्रहलाद ने, लेकिन उनको विश्वास था, लक्ष्य अटल था कि मुझे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे, तो उन्होंने की। तो ध्यान रखना, लाइफ में अपने लक्ष्य को अटल रखना, अपने मिलने वाली बाधाओं से, असफलता से, अपने लक्ष्य से हट मत जाना। क्या भक्त प्रहलाद को इतनी सारी मुश्किलें मिली, इतना सारा अत्याचार मिला, तो क्या उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करना छोड़ दी? नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था, लक्ष्य अटल था उनका कि कितनी मुश्किल आए पर मैं भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। तो आपके जीवन में भी कितनी मुश्किल आए, तो जो आपने लक्ष्य बना लिया है वो लक्ष्य अटल रखे, एक न एक दिन आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य अटल रहा तो सेकंड विश्वास, भक्त प्रहलाद का विश्वास था, पहले खुद पर फिर भगवान पर विश्वास था उसको, भक्त प्रहलाद को, कि नहीं आज मुझे इतनी मुश्किलें मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ बिलीव इन माई सेल्फ इन गॉड, वन डे आई विल गेट माई गॉड। और व्हाट हैपन, ही गॉट गॉड। तो विश्वास, अपने अंदर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखो कि नहीं मेरा लक्ष्य मुझे मिलेगा। अगर आपने खुद पर संदेह कर लिया, खुद पर अविश्वास कर लिया, तो आपका लक्ष्य आपको कैसे मिलेगा? कोई भी लक्ष्य आपको पाना है, कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है, तो सबसे पहले विश्वास रखना अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, तभी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओगे। भक्त प्रहलाद हमको यही सिखाते हैं कि विश्वास खुद में और प्रभु पर। अगर विश्वास नहीं है ना, तो एक पल में आप डिग जाओगे।
विश्वास तो ऐसा था कि भक्त प्रहलाद को होलिका ने, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, होलिका को भगवान शंकर का वरदान था कि अग्नि तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। तो अंत में क्या हुआ, भक्त प्रहलाद को होलिका लेकर अग्नि में कूद गई। लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो यह होता है विश्वास अपने लक्ष्य के प्रति, यह होता है अटूट विश्वास। अगर आप भी अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास रखोगे ना, तो आप अपना लक्ष्य जरूर पाओगे। और विश्वास तो ऐसा था भक्त प्रहलाद के कि जब सारी मुश्किलें भक्त प्रहलाद ने पार कर ली और हिरण्यकश्यप हताश निराश हो गया, तो अंत में क्या हुआ, तलवार लेकर खुद हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को काटने आया। तो फिर क्या हुआ, अंत में भगवान नरसिंह का जन्म हुआ और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। वो न देवता थे न असुर थे, वो न मानव थे न जानवर थे। उस वक्त न दिन था न रात था, उस वो न घर में थे न बाहर थे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही हिरण्यकश्यप की मौत होती। तो भक्त प्रहलाद से अपन यही सीख सकते, लक्ष्य अटल रखो और विश्वास रखो खुद पर और प्रभु पर। आपका लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आपको कितनी हजार बाधाएं मिले, लेकिन आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा।